ठीक आपने है। ये जो इनर ऑरा आउटर ऑरा ये बात की ना, ये बहुत सही इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है मेरे लिए. बिकॉज पहले होता था कि जस्ट ऑरा होता था, राइट, ऑरा ऑरा. बट द डिस्टिंक्शन बिटवीन कि भी बाहर में क्या है और उसके अंदर में क्या है, ये डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि बहुत से लोग हैं जो ऑरा के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो ऑरा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर फिर भी जो पिछली बार हमने वीडियो आपको दिखाई थी, अपनी क्लास के बारे में बताया था जो कि ऑलरेडी इस समय चल रही है, तो उसमें बहुत कुछ बहुत ब्रीफ करके बहुत विस्तार में बताया जाता है। उसी सब के दौरान एक चीज और बताई गई थी कि ऑरा एक्चुअली हमारा बनता कैसे है और इम्पैक्ट कैसे करता है, क्या वो परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से ऑरा हमारा इम्पैक्ट होता है, और अल्टीमेटली ये ऑरा अगर वीक हो जाता है तो इसकी वजह से हमें ब्लैक मैजिक या फिर किसी स्पिरिट की के अपने इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, पर अगर यही ऑरा टाइट रहता है तो कोई भी हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई भी साइकिक अटैक नहीं कर सकता, चाहे वो कोई स्पिरिट हो जो हमारे अंदर एंटर करना चाहती है, चाहे वो कोई ब्लैक मैजिक हो जो कोई इंसान हमारे ऊपर करवाना चाहता है। ऐसे कई बार होता है कि ब्लैक मैजिक अमूमन चौराहों पर छोड़ दिया जाता है जिससे कि उनकी बला हट जाए और किसी और के ऊपर बला आ जाए, पर अगर ऐसा भी है, किसी की इंटेंशन आपके प्रति करने की नहीं है, तब भी अगर आपका ऑरा टाइट है तो उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ता। तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका ऑरा प्रिपेयर होता है, कैसे और कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे का ये वीडियो। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब ऑरा बनता किससे? ऑरा अक्षय बने, कर्मों से हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑरा। और कुछ? चक्रास होते हैं, सेवन चक्रास के साथ। चक्रास। अब चक्रास क्या होते हैं? अब देखो, चक्रास जो होते हैं, कई कहते हैं सात चक्रा होते हैं, ठीक है, मैं कहता हूं 112 चक्रा होते हैं, 114 चक्रा होते हैं, पर अब चक्रों को समझो कि पहले हम सिर्फ सेवन चक्रास की बात करते हैं, ठीक है। हमारे टोटल सेवन चक्रा जो होते हैं, उन स्पॉट्स की बात कर रहा हूं कि वो सेवन नहीं 12 चक्रा होते हैं। कैसे? पहले चीज को समझिए। सबसे टॉप पे जो होता है, वैसे सबसे लास्ट चक्रा इसको बोलना चाहिए, सबसे नीचे होता है मूलधारा चक्र। अब मूलधारा चक्र जो होता है वो हमारे पेल्विस एरिया में होता है, बिल्कुल नीचे, और उसका फेस ऐसे होता है, उसका जो पंखा होता है, पंखुड़ी होती है, वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ होती है, वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो नीचे एक हो गया और छत पे भी एक हो गया, सहस्रार, ठीक है। बाकी आपके जो पांच चक्रा बचे, कौन से? सहस्रार, नहीं नहीं सॉरी, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा या फिर अर्जना, जो भी आप कहें, ठीक है। इनमें चक्रा दो दो होते हैं, ऐसे और ऐसे, आगे पीछे, ठीक है। तो 5 × 10 = 11 और 12, ठीक कैसे है। 12 कैसे हुए? 12 हो गए, दो दो चार, चार, दो छ, दो ठीक है, आठ, मणिपुर 8, दो स्वादिष्ठान 10, ओके ओके एक 11 और एक 12। ओके फाइन। अब क्राउन एंड द मैंने रूट
जो है वो सिंगल सिंगल होगा, बाकी डबल डबल है, डबल डबल हो गया। ओके, पर आइडियली हमने कभी क्या ये बोला है कि फ्रंट थर्ड आई बैक थर्ड आई, फ्रंट विशुद्धि बैक विशुद्धि, ऐसा नहीं बोला ना? क्योंकि नॉर्मली हम सेवन चक्रास मानते हैं, पर एक्चुअली ये आगे पीछे होते हैं, तो हम ऑरा के हिसाब से इसको 12 में काउंट करेंगे। अब ये 12 चक्रास वाली बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गई? इतना क्लियर है? Yes. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कमरे में एसी और पंखा दोनों चलाते हैं, ठीक है, और कई बार जब एसी नहीं ज्यादा होते थे, प्रचलन में नहीं थे, तो हम क्या करते थे, खिड़की खोल देते थे, पंखा भी चलाते थे, और पास में भी एक टेबल फैन रख लेते, याद है वो दिन, पुराने दिन, ठीक है। अब एक पंखा ऊपर चल रहा है, एक पंखा साथ में चल रहा है, या फिर कूलर चल रहा है, या फिर कूलर चल रहा है, उस जमाने में एसी बहुत कम थे, तो उस जमाने की बात याद करो, पंखे की अलग आवाज होती थी, कूलर की अलग आवाज होती थी, इधर से एक हवा आती थी, इधर से एक हवा आती। अगर पंखे चल रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो क्या करते हैं, अपनी वाइब्रेशन छोड़ते हैं, वाइब्रेशन छोड़ते हैं। तो मैंने तो आपको कमरे में दो पंखे बोले, आप कभी करके देखना, वो आते ना शादियों में टेंटों में लगते हैं, वो पराठा पंखे कहते हैं, बड़े 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 बड़े, आप एक कमरे में जरा 12 पंखे लगा के देखो, देखो आपको ऐसा लगेगा जैसे बीच में आपके ना शर्ट ऐसे ऐसे राउंड कर रही है, ऐसे ऐसे, समझ में आ रही बात, क्यों राउंड कर रही है ऐसे, हवा के बहाव से, ठीक है, पर वो हवा का मतलब ये है कि वो वाइब्रेशन है, ऐसे से घुमा रही है आपको, आपकी शर्ट को ऐसे से घुमा रही है, आप शरीर को तो ऐसे से घुमा नहीं सकती हो, पर जो उसके हल्का है उसको तो घुमा रही है ना। हेलीकॉप्टर जो होता है, चॉपर जो होता है, उसके 1-3 ऐसे पंखे होते हैं, वो तो हेलीकॉप्टर उठा के ले जाता है, आपके तो 12 पंखे लगे हुए बड़े मेजर, तो जब वो चलेंगे तो क्या होगा, आपके जो अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो अंदर के चक्रास के जो कलर्स हैं, वो कहाँ फैलेंगे, बाहर, ठीक है। अब ये जो चक्रास आपके कलर्स को फैलाते हैं, वहां से पता चलता है कि आपके अंदर भरा क्या पड़ा है, कितने रंग आते हैं, समझ में आया बात, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑरा। अब ऐसे हमारे इन पंखों की वजह से, हमारे चक्रास के जो ये जो पंखुड़ी हैं, इनकी वजह से ये जो कलर्स बाहर निकलते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ये बनाता है हमारा आउटर ऑरा, ठीक है। अब आउटर ऑरा जो है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो इस ग्लास की तरह है, क्योंकि अगर आउटर ऑरा नहीं होगा तो इनर ऑरा में तो आप घुस ही गए। आउटर ऑरा बहुत जरूरी है, वो आपको बता सकता है, अगर आप रीड करना जानते हो, कि इस बंदे के मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या है, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है। और नेगेटिव होगा तो दूसरों के लिए होगा ना, अपने लिए नेगेटिव थोड़ा ना होगा। अगर धन लूटना चाहता है, अगर मन में कोई चोर है, तो किसी और का धन लूटना चाहता है ना, अपने घर की तिजोरी थोड़ा ना लूटेगा वो, अपने लिए तो क्या होगा कि मेरा ऑरा मेरे लिए तो प्रोटेक्शन फील्ड है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अपना काम तो उसको सही चाहिए। अब ये तो हो गया एक चोर का ऑरा, चोर का ऑरा, अब चोर का ऑरा उसके लिए तो ठीक ही रहेगा ना, वो अपना थोड़ा नुकसान करेगा, अपने लिए कोई बुरी भावना तो रखेगा नहीं, अपने आप को बोल देगा कि हाँ मेरा कर्म खराब है, मैं चोर हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जब वो चोरी करके आ जाता तो हंसता है, ओ मैंने बुद्धू बना दिया, मैंने उसको लूट लिया, होती हंसी आती है इसके अंदर से, वो अंदर से खुश होता है। तो नेगेटिविटी कहाँ है, नेगेटिविटी तो है उस बंदे के लिए जिसको लूट के आया, अपने लिए तो वो खुश है, समझ में आ रही बात। तो इतना समझ लीजिए कि चाहे कोई इंसान कोई भी काम कर रहा हो, अपने लिए वो पॉजिटिव है। अब चोर का ऑरा हो सकता है इतना हो, भगवान बुद्ध का ऑरा कहते हैं कि 80 माइल बड़ा, 80 माइल्स, ठीक है, 80 माइल्स का मतलब जानते हैं आप, अमृतसर से जलंधर की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर है, तो तकरीबन आप मान लीजिए कि 50-55 इतने माइल्स होंगे,
ठीक है, 80 माइल का मतलब हो गया तकरीबन 128 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर कोई इंसान अगर लुधियाना से थोड़ा क्रॉस कर गया ना, तो अमृतसर में बैठे हुए किसी अच्छे पॉजिटिव बंदे को एक वाइब्रेशन सी आ जाएगी कि कुछ तो अच्छा आने वाला है, कोई पुण्य आत्मा आ रही है मेरी, ठीक है। वो आउटर ऑरा ऐसा था, और जितने बुरे लोग होंगे उनको लगेगा कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा ही होने वाला, कुछ अच्छा मिलने वाला। अब मैं ना आपको एक गुरु नानक देव जी की एक ना साखी है, मैं स्टोरी को साखी कहते हैं, तो वो बताता हूँ। एक बार वो एक गांव में गए, वहां लोगों ने ना उनका बहुत आदर किया, बहुत आदर किया, उनको अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, बहुत उनको माना वगैरह वगैरह, अच्छे अच्छे बोल बोले, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया। तो जब जाने लगे ना गुरु नानक देव जी, तो उनके मुंह से निकला, ऐ पिंड उजड़ जाए, ऐ पिंड उजड़ जाए, मतलब पंजाबी को हिंदी में करके देता हूं कि ये पिंड, ये जो गांव है ये बिखर जाए, लोग इसके बिखर जाए। दूसरे गांव में गए, उन्होंने धुतकारा, गालियां दी, ये झूठा है, ये झूठ बोलता है, ये लूटना चाहता है वगैरह वगैरह। और जब वो जा रहे थे उस गांव को छोड़कर, तो उन्होंने बोला ये गांव बसा रहा, ऐसा क्यों? एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। अगर उस गांव के लोग फैल जाते ना, तो जगह जगह में गंदगी लेके जाते, समझे बात को? पर जो लोग अच्छे थे अगर वो फैल गए, तो जगह जगह जाकर सफाई करेंगे, लोगों को सुधारेंगे, अच्छाई दिखाएंगे, लोग उनकी तरह बनना चाहेंगे। तो चीज को समझ रहे हैं आप? सो दिस इज समथिंग दैट वी कॉल ऑरा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप उन्हें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके सुझाव हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अधिक से अधिक जानकारी दे पाए और आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे गिवन नंबर से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल का नाम है मेक मी प्योर, जबकि हमारी वेबसाइट का नाम है www.makesmepure.com। स्पेल कर देता हूं मैं, www.makesmepure.com। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको ऑरा के बारे में और क्लैरिटी प्रदान करेगा, आपको बताएगा कि ऑरा कैसे बनता है और क्या ऐसी उपयोगी चीजें हैं जो हमें करने से हम अपने ऑरा को बचा सकते हैं और ब्लैक मैजिक और स्पिरिट जैसी चीजों से बच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।